द स्लैप वॉज मी गाइज यू नो मैं डिप्रेशन में चला गया था मैं आपको छुट्टी मिलूंगा इज आज से आप क्या अच्छा, किसी ना किसी की किताब में एक विलन बन के रहोगे आप कितना भी अच्छा कर लो दुनिया में ओके okay? आप किसी ना किसी की जिंदगी में किसी ना किसी की जिंदगी किताब में आप एक विलन डेफिनेटली रहोगे आप उसके लिए भी अच्छा करोगे तब भी आप विलन रहोगे आप दुनिया के लिए अच्छा करोगे तब भी आप विलन रहोगे तो टुमोरो कम्युनिटी पोस्ट बी रेडी एट मोस्टली अराउंड ग्यारह साढ़े ग्यारह बारह बजे के आसपास डालूंगा मैं आई हैव टू बी इमोशनली रेडी आई हैव टू बी वेरी मच ऑफ फ्रंट आके सारी चीज़ें रेडी uh, रहना पड़ेगा मुझे एंड यार ऑल द बेस्ट टू बाकी सारे लोग जो भी एम्पर बी टी आयुष वगैरह भी कुछ अनाउंसमेंट डालने वाले हैं कल विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बस एक ही वर्ड बोलना चाहूंगा मैं जाते जाते ठीक है एक ही वर्ड बोलना चाहूँगा और ये वर्ड एक सिर्फ वही लोग समझ पाएंगे जो कि ओवरऑल मेरी जर्नी देख रहे हैं ठीक है अंधभक्त होंगे वो लोग नहीं समझ पाएंगे ठीक है वन वर्ड ठीक है वन वर्ड बॉटल नेक यू नो बॉटल नेक वॉट इज द मीनिंग ऑफ बॉटल नेक सिर्फ वन वर्ड बॉटल नेक ल्फा फ्राम वेरी बिगनिंग यू नो मेको आज भी याद है अल्फा को मैं तब से जानता हूँ जब उसके मुझसे डबल्स भी ज्यादा थे मैं अल्फा को तब से जानता हूँ जब यू uh, नो you know, उसके आई थिंक पैंतीस चालीस हजार सब्सक्राइबर्स थे या पच्चीस तीस हज़ार सब्सक्राइबर्स आई हैव नो आइडिया आई थिंक उतने सब्सक्राइबर्स मेरे सात हज़ार पंद्रह हज़ार के आस पास सब्सक्राइबर्स थे बस उससे ज्यादा नहीं थे ओके okay? तो और मैं उस टाइम पर बहुत तगड़ा ग्रो मार रहा था मैं उस टाइम पर बहुत पुरानी बात है जब मुझे हज़ार हज़ार की वॉचिंग दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच हज़ार की वॉचिंग आया करती थी और आज से मतलब चार पाँच साल पहले अगर देखा जाए तो पांच पाँच पाँच हज़ार की वॉचिंग आना या चार चार हज़ार की वॉचिंग आना इज लाइक वेरी बिग थिंग यू नो बहुत बड़ी बात थी तब मैं सोच सकता था कि यार है नो ये मैं क्यों इसको लूँ यार कौन है ये बंदा मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ कोई कनेक्शन ही नहीं मेरा कहा वो क्लैश रॉयल खेलता है कहा मैं बी जे एम आई पब्जी खेलता हूँ यू you नो know, मैं नहीं जानता हूँ इन सब चीज़ों को तो मैं क्यों इन सब लोगों को लूँ यार मुझे लेना ही नहीं इनको इनको खेलना नहीं इन लोगों के साथ मैं अपना ग्रो कर रहा हूँ मैं क्यों इनको फालतू में ग्रो करूँ अपने साथ राइट मैं क्यों इनको फालतू में चीज़ें अपनी दूँ मेरे को करना ही नहीं है ये सब चीज़ें मैं ये सोच सकता था बट तुम्हारा भाई तो तुम्हें पता ये कैसा है तो मैं तब से इन लोगों को जानता हूँ ये पाँच उंगली है ना देखो जैसे सबसे बड़ी उंगली है कोई अल्फ़ा है ये बी है ये एम्परर है ये आयुष है ए नो ये चलो ये मैं मुझे पकड़ लो डाइनो यार ठीक है मैं अंगूठा हूँ राइट जो भी है तो ए you नो know, ये सारे लोग जो है कि एक एक पार्टी है मेरा ओके okay? तो अभी रिसेंटली सीन क्या है कि ये ये चारों लोग अभी यू नो आप कह सकते हो हम लोग इनको निकाल रहे हैं आप कह सकते हो कि अभी ये लोग छोड़ के जा रहे हैं आप कुछ भी कह सकते हो इस समय ओके दिस आर जस्ट द स्टाफ आज का जो डिसीजन था इन लोगों का लीव करने का हाइड्रा या निकालने का इन लोगों को ये सारे डिसीजन पे आने से पहले हमने लेजिट पाँच पाँच छः छः मीटिंग करी है और तीन तीन चार चार घंटे की मीटिंग हम लोगों ने करी है लाइक लेजेट हम लोग ग्यारह ग्यारह बजे मीटिंग स्टार्ट करते थे रात में और सुबह के चार चार बज जाते थे, थे। सुबह के सुबह के तीन तीन बज जाते थे, थे मुझे आज भी याद है सुबह के तीन तीन जाते थे, थे मीटिंग को ले लेके कि कैसे कर सकते हैं क्या कर सकते हैं यू नो सारी चीजें यू नो ये सारे लोग अभी जा रहे हैं तो मुझे ऐसा पता है मुझे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं जिनकी आई मीन अभी ये बोलना थोड़ा गलत है गलत एज एन थोड़ा सा मैं अलग बोल रहा हूँ इसको गलत मत लेके जाना बट जो मुझे फील हो रहा है मैं वो बोल रहा हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जिसकी जैसे कैसे फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो आप बहुत मायूस हो जाते हो सैड हो जाते हो या नो तो वैसा वैसा काइंड kind ऑफ of मुझे फील हो रहा है मेरे भी चेहरे पे दिखेगा नहीं वो सब चीज़ें यू you नो know? मैं हमेशा एक वो स्माइल बना के रखता हूँ स्लैप वज मी गाइज यू नो मैं डिप्रेशन में चला गया था मैं आपको झूठी मिलूँगाइज आज से आप कुछ महीने पहले की मेरी स्ट्रीम उठा के देख लो आपने मेरी स्ट्रीम मॉर्निंग में देखी होगी आई वॉज़ वेरी लो ऑन एनर्जी आई वॉज़ वेरी लो ऑन एनर्जी यू नो मैं मैं आप लोग को हंसा नहीं पा रहा था मैं आप लोगों को एंटरटेन नहीं कर पा रहा था

मैं फिर भी रोज़ स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं रोज़ लाइव आ रहा हूँ आप लोगों के लिए अब खैर अभी तो नहीं आ रहा बिकॉज अभी रिसेंटली मैं नासिक गया हुआ था तो ये स्ट्रीम एंड होने के बाद एक अनाउंसमेंट होने वाली है ओके आ, मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ बहुत, बहुत बहुत प्यारी चीज़ें हैं यू नो इतना कुछ होने के बाद भी मैं एक स्ट्रॉन्ग इंसान की तरह आप लोग के सामने इतने टाइम से मैं आ रहा हूँ पिछले कई महीनों से मैं आप लोग के सामने आ रहा हूँ मैं अपनी स्ट्रीम रेगुलर कर रहा हूँ मैं कॉन्टेंट बना रहा हूँ मैं वियतनाम घूमने गया तो मैं ब्लॉग तक शूट किया पता यार वियतनाम जाना तो यार बस एक बहाना था <laughs> वियतनाम जाना तो कैसे पता है बस एक वो थर्टी फर्स्ट का बहाना था बस एक मुझे पता टू बी हंडर्स मुझे बस एक खुद का टाइम चाहिए था मुझे बस यहाँ से भागना था यार मुझे बस यहाँ से निकलना था जैसे तैसे करके मुझे एक शांत प्लेस चाहिए थी मुझे ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ मुझे कोई नहीं जानता जहाँ बस मैं जा रहा हूँ अपना आराम से बैठ और पता है वियतनाम जाके मैंने कुछ भी नहीं किया कुछ नहीं किया मैंने अभी अभी वियतनाम का एक सेकंड सेकंड लॉग आने वाला वियतनाम का अभी आप देखना पता है मैंने क्या क्या वियतनाम जाके इक like, लोग क्या करेंगे पार्टी करेंगे ठीक है लड़कियां घुमाएंगे कार रेंट पे लेंगे यू नो उसमें घुमाएंगे सब चीजें मैंने क्या किया लेजिट मैंने क्या किया कि मैं जंगल में चला गया घूमने के लिए मैं जंगल चला गया घूमने के लिए सोचो <laughs> मैं जंगल घूम रहा था वियतनाम में जंगल कैन यू इमेजिन दैट ओके मतलब जहां पे वियतनाम का वॉर हुआ था मैं वो वॉर देखने चला गया कि वॉर कैसे हुआ कैसे लोगों ने वॉर लड़ी वियतनाम सोल्जर्स ने मैं वो देखने चला गया